टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है विराट के साथ, जो सई को ये सजेस्ट करता है कि हमें हरिणी का बर्थडे चवन निवास में मनाना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा मौका होगा पूरे परिवार को हरिणी से मिलवाने का। सई यहाँ पर कहती है कि बहुत ही ज़्यादा मैं तो सरप्राइज हो गई हूँ आपकी ये स्ट्रैटेजी सुनकर, और वो पहले तो विराट को मना कर देती है, लेकिन जब विराट बार बार उसे समझाता है और वो कहता है कि हाँ भले ही काकू को समझाना मनाना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हम कर लेंगे। बाद में यहाँ पर सई विराट की बात से सहमत हो जाती है और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए राजी हो जाती है। बाद में विराट सई को काफ़ी अच्छे से अश्योर करवाएगा कि हम दोनों मिलकर के सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और सई को भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है और वो विराट के सजेशन को फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में दिखाया जाएगा कि विराट पूरे परिवार को कहता है कि आप सब लोग आज सरप्राइज लंच के लिए तैयार हो जाइएगा, और सब लोग ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं विराट के दिमाग में क्या चलता रहता है, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन विराट किसी को कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि अश्विनी और भवानी विराट से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरप्राइज़ क्या है, लेकिन विराट तो सीक्रेट ही रखता है और सबको बैंक्वेट हॉल आने के लिए कहता है। जैसे ही सब बैंक्वेट हॉल पहुँचते हैं वहाँ पर सई बहुत सारे बर्थडे पार्टी के सामान के साथ पहुँचती है, जिसे देख कर घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि किसका बर्थडे है। यहाँ पर सई किसी को भी नहीं बताती और सबको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज में रखती है, लेकिन सई है वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। और यहाँ पर वो भवानी से कहती है कि काकू क्या आप बताएंगे या फिर सबको मैं ही बताऊं कि सच क्या है, और यही सब देखने के लिए मिलने वाला है आपको आगे आने वाले एपिसोड में। We'll be right back.